हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नगाणी आबू पर्वत के गोद में अति प्राचीन करोड़ी ध्वज मंदिर में दो साल बाद भरा मेला अमावस, जिसे पत्रों की अमावस भी कहते हैं। आज के दिन आबू की पहाड़ियों के बीच लोगों का हुजूम उमड़ता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और दर्शन करते हैं। आज के दिन भी करोड़ी ध्वज एक बहुत ही अति प्राचीन मंदिर है, आज भी लाखों साल पुरानी मूर्तियां मौजूद है। समाज सेवी मोटाराम देवासी नागाणी ने बताया है कि जो कुंड है वहाँ एक अति प्राचीन मूर्ति है जो कुछ सालों पहले किसी चोर ने चुराई थी, आज भी वह मूर्ति वहाँ मौजूद है। इसे आप चोर या भगवान का चमकदार कहें। और वहाँ एक अति प्राचीन कुंड है जिसमें पानी हमेशा रहता है और उस पानी से अपने शरीर पर लगे रोग हो जैसे धब्बे सही हो जाते हैं। सात रविवार लगातार आना पड़ता है मंदिर पर और कुंड के पानी से नहाना पड़ता है और करोड़ी ध्वज का मंदिर जाने के लिए बहुत ही सुंदर और पहाड़ियों के बीच से गुजरना पड़ता है। झरनों की ललकती आवाजें सुनने को मिलती है और अलग अलग पुराने मंदिर है जो आज भी मौजूद है। आबू रोड की पहाड़ियों का सुंदर मौसम और हरियाली देखने लायक है, एक बार जरूर देखने जाएं। आज के दिन आसपास गांवों के भामाशाह और समाज सेवी भी बढ़ चढ़कर सेवा करते हैं, कोई पानी की व्यवस्था करता है तो कोई खाने की व्यवस्था करता है। जागो टीवी के नागाणी से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।